फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर को। ओके, तो आप सब लोगों के पास में कंप्यूटर्स तो होता ही है, तो उसमें जो हमारा मॉनिटर होता है उसका क्या काम होता है और वो कितने टाइप्स का होता है और कैसे उसे हम लोग मेजर करते हैं, इन सबको हम इस वीडियो पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइज, वीडियो को एकदम बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। ओके, सबसे पहले तो जो हमारा मॉनिटर होता है उसका फुल फॉर्म होता है मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन ऑन रैट। ओके, आफ्टर दैट ये होता क्या है? देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच गिव डिस्प्ले इन आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज इन्वेंटेड इन 1897 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कर्ल फर्डिनेंड ब्राउन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका मतलब यह एक आपकी आउटपुट डिवाइस भी होती है और ये हमें डिस्प्ले हमें आउटपुट करती है। इसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसको 1897 में बनाया गया था, जो हमारा फर्स्ट मॉनिटर था। और जिसने इनको बनाया था वो एक आपके जर्मन के साइंटिस्ट थे एंड उनका नाम था कर्ल फर्डिनेंड ब्राउन। ओके, आफ्टर दैट मॉनिटर हमारा सिक्स टाइप्स में होता है। एक CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट अमिटिंग डायोड, प्लाज्मा, OLED, ऑर्गेनिक लाइट अमिटिंग डायोड एंड टच स्क्रीन मॉनिटर। ओके, अब हम इन छहों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है CRT। ये बहुत टाइम पहले इन पे काम होता था, अब इन पे काम एकदम ना के बराबर होता है और ये बहुत भारी होते थे। ओके, एंड इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही लो होती थी, तो इनका काम बहुत ही कम होता था। और जी, इनके अंदर एक आपका कैथोड ट्यूब होता था, वो इस पे काम इसका होता था। ठीक है, आफ्टर दैट LCD मॉनिटर। इसका काम आजकल हमारे ऑफिसेज में होता है। सबसे पहले जो हमारा LCD होता है, इसकी पिक्चर क्वालिटी CRT से बहुत बहुत अच्छी थी और ये बहुत थिन था। और ये जो पिक्चर इसमें होती है उसको ये शो करने के लिए इसमें जो आपका लिक्विड क्रिस्टल होता है ये उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो इसको छूने पर आपको अपनी स्क्रीन में हल्का हल्का सा पानी सा फील होता होगा। ठीक है, आफ्टर दैट होता है LED मॉनिटर। इट इज़ अ अपग्रेड वर्जन ऑफ LCD मॉनिटर बिकॉज इट यूज ब्लैक लाइटिंग, दैट्स वाई इट गिव मोर क्लियर पिक्चर। देखिए, जो हमारा LCD था ये सेम देखने में बिल्कुल आपका वैसा ही होता है, बट इसमें क्या चीज़ होती है कि इसमें आपके पीछे की भी लाइट इसमें शो होती है जो कि हमारे LCD में नहीं थी। तो इस कारण से इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है LCD के मुकाबले में। आफ्टर दैट होता है प्लाज्मा मॉनिटर। देखिए, इसके अंदर जो आपकी गैसेस होती हैं उसी के ही स्मॉल सेल से इसमें आपका डिस्प्ले आता है। इसमें बैक लाइट का नहीं काम होता है इसलिए, बट इसकी पिक्चर क्वालिटी LED मॉनिटर जैसी ही होती है। और जी, इसका साइज 30 इंच और उससे अधिक भी होता है। जो अभी तक हमारे इफ वी टॉक अबाउट LED, LCD एंड CRT, ये नॉर्मल हमारे 14 to 15 इंच में आते थे और ये हमारा इतना बड़ा आता है। और अगला होता है OLED मॉनिटर। ये जो होता है ये कार्बन और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको ये मतलब उनकी हेल्प से ये आपके डिस्प्ले को शो करता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, बट अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बहुत कम ही यूज़ में आ पाया क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई थी। तो जब चीज़ें हमें कम प्राइस में मिलती हैं तो फिर हम उन्हें इतना क्यों यूज़ करें कि जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है। आफ्टर दैट होता है टच स्क्रीन मॉनिटर। इट इज सेम एज स्मार्टफोन स्क्रीन। इट इज यूज इन ATM। इट यूज सेंसर। ओके,
जो आपके पास में आपका एंड्रॉयड मोबाइल होता है, जब उसे आप टच करते हैं तो जैसे उसमें काम होता है, सेम काम आपका इस स्क्रीन में भी होता है। जो हमारे एटीएम्स होते हैं उसमें भी इसका काम होता है। अच्छा, ये जो आपका टच क्यों क्यों आपका होता है, क्योंकि इसके पीछे हमारी सेंसर आईसीज होती हैं, जो कि टच होने पर उसके इंस्ट्रक्शंस को आपके प्रोसेसर के पास में सेंड करती हैं। आफ्टर दैट, मॉनिटर और टीवी को हम कैसे नापते हैं, इसको हम लोग नापते हैं डायगनली। ओके, ये देखिए, जो आपका इंची टेप होगा उसका एक सिरा इस साइड पर और एक सिरा हमारा इस साइड पर होगा, और ये जितना आपका होगा ये आपका उतने इंच का टीवी और मॉनिटर होता है। अच्छा, क्वेश्चन टाइम, कौन सा मॉनिटर बैक लाइट को यूज करके अपनी डिस्प्ले को बहुत अच्छा बनाता है? ओके, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में 2 सेकंड्स में दीजिए। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।